ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो आज बाजार के पास गैप अप ओपनिंग का एक मौका फिर से मिला और 18,300 के ऊपर हमने फिर से ओपन किया। हालांकि 18,300 से लेकर 400 वाली रेंज रेजिस्टेंस की रेंज है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रात को आए। पहला यूएस के इन्फ्लेशन जो कि अनुमान से थोड़ी कम थी, 5% एक्सपेक्टेड था, 4.9 आई, और कर्नाटक के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं जिसमें कांटे की टक्कर दिख रही है। तो इन दोनों को मार्केट आज थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हल्के गैप के साथ खुला 18,300 और 18,400 आज मार्केट के लिए एक रेंज है काम करने की। 400 पार होने पर जोरदार शॉर्ट कवरिंग आएगी और 300 टूटने पर दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है। खैर, आज शुरुआत में कौन कौन से शेयर ऐसे चल रहे हैं मैं फटाफट से आपको बताता हूँ, उसमें फिर डेरिवेटिव का एंगल भी हम आपके सामने डालेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस आज शुरुआत में लीडरशिप ले रहा है, ये करीब 2-2.5% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स भी इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ है। आज आईटी कंपनीज का थोड़ा बोलबाला है, आज टेक महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, एससीएल टेक, इन सब में शुरुआत में करीब 0.5% से 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप कमजोरी वाले शेयर्स देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज है बड़े शेयर्स में से। एलएनटी के अंदर भी आज 3% से ज्यादा का नुकसान है। दोनों नंबर्स वाले शेयर कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आए, मार्केट को पसंद नहीं आया, इसने तोड़ दिए। इसके अलावा हिंडालको, भारतीय एयरटेल और आयशर मोटर और ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज शुरुआती दबाव देखने को मिल रहा है। साल का हाई जिन कंपनीज ने आज टेस्ट किया है उसमें है बीपीसीएल, साथ ही बजाज ऑटो, पावरग्रिड, ये ऐसी कुछ बड़ी कंपनीज है जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया है। फटाफट से चेक कर लेते हैं छोटी मझोली कंपनीज के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या हो रही है। आईटीआई, जीएसएफसी, गुजरात गैस, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे 3-5% तक की मजबूती शुरुआत में छोटी मझोली कंपनीज के तौर पर आपको देखने को मिल रही है। और इसी कैटेगरी में जो कमजोर शेयर है वो है पेटीएम, ये शेयर आज वापस से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ईपीएल के अंदर भी हमको नुकसान देखने को मिल रहा है। इन्हीं कैटेगरी के अंदर जो आज साल का हाई टेस्ट हुआ है वो है इक्विटास के अंदर, चोला होल्डिंग्स के अंदर, जीएमआर इंफ्रा, वरुण बेवरेजेस, ये कुछ एक शेयर है जो साल के हाई पे चल रहे हैं। रत्नामणि मेटल्स भी आज 6% की तेजी के साथ आज अच्छी खासी बढ़त के साथ है और ये बढ़त ना केवल इसको साल के हाई पे भी लेके आई है। अब आ जाते हैं वायदा बाजार के अंदर, इस समय की वहां की सिचुएशन क्या चल रही है। अगर एफ एंड ओ में देखेंगे तो शुरुआती रुझान में आपके सामने रखता हूँ, जहाँ पे ताजा खरीदारी हो रही है वो है गुजरात गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, गुजरात गोदरेज सीपी, और इसके अलावा कुछ आईटी कंपनीज में से एलटीटीएस जैसी कंपनीज, यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पे है, शॉर्ट कवरिंग आज थोड़ी आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर, जीएनएफसी के अंदर, आरबीएल के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ताजा बिकवाली आज शुरुआत में ही डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, हिंडालको, आईजीएल, ये शेयर्स ऐसे जिसमें शुरुआत में ही 100 दिन नेगेटिव पंच हो रहे हैं, यानी कि सेल किसको किया जा रहा है,